आखिर वो कौन सी बात थी जिसने अपूर्वा को रोहित शेखर के खून का प्यासा बना दिया? आखिर वो कौन सा मंजर था जिसे देखने के बाद अपूर्वा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी? आखिर रोहित ने 15 अप्रैल को ऐसा क्या कर दिया कि अपूर्वा गुस्से में आपे से बाहर हो गई? पूर्व कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर की अपनी बीवी अपूर्वा के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, ये तो उनके घर परिवार में हर किसी को पता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 15 अप्रैल को दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि अपूर्वा के हाथ अपने उसी सुहाग की जान लेने के लिए उठ गए, जिसके साथ सात फेरे लेकर अपूर्वा ने साल भर पहले ही जीने मरने की कसमें खाई थी। तो इस सवाल का जवाब है एक वीडियो कॉल। दरअसल रिश्तों में तलखी के बावजूद अपूर्वा अपने पति रोहित शेखर पर नजर बनाए रखती थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसे रोहित पर पहले से ही शक था। मगर 15 अप्रैल को कुछ ऐसा हो गया कि अपूर्वा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी। दरअसल इस रोज रोहित अपनी मां, नौकर चाकर और कुछ रिश्तेदारों के साथ उत्तराखंड में वोट डालकर दिल्ली लौट रहा था। लेकिन जब वो रास्ते में था तो उसे अपूर्वा ने एक वीडियो कॉल किया। लेकिन अपूर्वा को तब जोर का झटका लगा जब उसने देखा कि रोहित न सिर्फ सुबह से ही कार में बैठा बैठा शराब पी रहा है, बल्कि अपनी रिश्ते की एक भाभी के साथ एक ही ग्लास में ड्रिंक शेयर कर रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो अपने पति रोहित को एक दूसरी महिला के साथ एक ही ग्लास में ड्रिंक शेयर करता देखकर अपूर्वा से नहीं रहा गया और वो गुस्से में पागल हो गई। इसके बाद रोहित, उसकी मां और घर के दूसरे लोग जब दिल्ली लौट कर आए तो अपूर्वा वहां मौजूद तो जरूर थी, लेकिन परिवार के दूसरे लोगों के सामने वो रोहित की इस बेवफाई को लेकर कोई बवाल नहीं करना चाहती थी। लेकिन आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब अपूर्वा को शेखर से जवाब तलब करने का मौका मिला। उस रात जब घर के सारे लोग डिनर करने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए तो अपूर्वा ने कुछ देर सबके सो जाने का इंतजार किया। वो नीचे बैठकर टीवी देखती रही ताकि बाद में रोहित से बात की जा सके। लेकिन जब वो रात करीब 12:45 बजे रोहित के कमरे में दाखिल हुई तो रोहित अब भी नशे में धुत था। ये देखकर दोनों में पहले कहासुनी हुई और फिर कहासुनी हाथापाई और गला दबाने घोटने तक पहुंच गई, और इसी दबाने घोटने में आखिरकार रोहित शेखर की जान चली गई। पुलिस की माने तो अपूर्वा रोहित की एक रिश्तेदार महिला से उसकी नजदीकियों को लेकर अक्सर नाखुश रहती थी। उसने कई बार रोहित को इसके लिए रोकने टोकने की भी कोशिश की, लेकिन रोहित नहीं रुका, बल्कि हद तो तब हो गई जब उसने अपने पति को उसी महिला के साथ गाड़ी में बैठकर एक ही ग्लास से ड्रिंक शेयर करता हुआ देख लिया। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो कहानी अब पूरी दुनिया के सामने है। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ